हेलो नमस्ते सुशीकल आदाब, आई एम योर फ्रेंड आदिल अंसारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैगवार ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सब, बहुत टाइम के बाद में मिल रहे हैं अपन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहले तो, और फिर बहुत टाइम के बाद में अपना वीडियो आ रहा है। आज कर लेते अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस, कुछ कामों में फंसा हुआ था और थोड़ा पब्लिक डिमांड भी है सेकंड सर्विस का। वीडियो डालो भाई और फिर उसके बाद में माइलेज टेस्ट डालो, तो आज कर ही लेते सेकंड सर्विस। तो फटाफट से मैं आपको डिटेलिंग बता देता हूँ वीडियो अभी कि क्या क्या करने वाले। ब्रेक पैड नहीं खोलेंगे क्योंकि ब्रेक पैड मैंने रिसेंटली लंबा कहीं गया था गाड़ी लेके अपना नियॉन वुल्फ, तो मैंने रास्ते में खुलाया था ब्रेक पैड, मतलब मैंने खुद ही खोला था रास्ते में और क्लीन वगैरह किया था, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपने को एयर फिल्टर खोलने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एयर फिल्टर भी मैंने रिसेंटली खोला था जब मैंने हैंडल चेंज किया था, तभी हैंडल का वीडियो है, आप लोग जाके देख लो। मस्त हैंडल डाले अपन ने, बहुत सही है, बहुत मज़ा आता है, अभी चलाने का फील ही अलग आता है। तो जब भी मैंने एयर फिल्टर खोल के देख लिया था, बहुत अच्छा है अपना एयर फिल्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अपन करने वाले सिर्फ ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज, और फिर उसके बाद में प्लग खोल के साफ़ कर लेंगे और चेन लूक करेंगे। चेन टाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी चलाता हूँ मैं, पता चल जाता है चेन टाइट करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो चेन टाइट नहीं करेंगे, देखेंगे अभी गाड़ी के पास में चल के। तो इतना ही काम करने वाले हैं अपन, आज सेकंड सर्विस अपना करके हटा ही देते हैं। और ऑयल की डिटेलिंग मैं वहाँ पे देता हूँ, बस इतना बता दूँ कि मैंने ऑयल थोड़ा इस बार महंगे वाला लिया क्योंकि इस बार अभी कैसा होता है कि गैपिंग हो जाती है बहुत वीडियो डालने में, और गाड़ी की सर्विसिंग भी मैंने मतलब टाइम से अब थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, मतलब समझ लो एक 400-500 किलोमीटर ज़्यादा चला लिया रहेगा मैंने गाड़ी। तो इसके लिए मैं इस बार ऐसा ऑयल डाल रहा हूँ कि मेरे को 5000 किलोमीटर तक मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, फुल सिंथेटिक ऑयल है और थोड़ा महंगा भी है लास्ट वाले से, तो मैं आपको बता दूंगा उसकी डिटेल। और फिर अपन बजाज का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर भी यूज़ करने वाले, लास्ट टाइम दूसरा यूज़ किए थे, इस बार बजाज का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है। तो ये सब काम है, ये जाके कर लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन माइलेज टेस्ट का भी वीडियो निकाल लेंगे सेकेंड सर्विस के बाद में, अभी क्या माइलेज दे रही है अपनी गाड़ी, क्योंकि माइलेज मुझे थोड़ा कम लगता है, तो अपन वो भी देख लेंगे कैसा है क्या नहीं। तो अभी चलते हैं गाड़ी के पास में, गाड़ी अपनी कवर में मस्त ढकी हुई है, कवर वगैरह लगाते हैं अभी अपन क्योंकि कौवे बहुत ऊपर से पॉटी करते हैं गाड़ी के ऊपर, तो बहुत गंदी हो जाती है, फिर बार बार कपड़ा मारो या तो फिर उसको धो धा के निकालना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने लास्ट टाइम ही पॉलिश वगैरह करके गाड़ी धुलवा के, गाड़ी धुलवाने की भी ज़रूरत नहीं इस बार, अपने गाड़ी भी धुली है, पॉलिश हुई है, सब कुछ है, बस अपने को जाना है, इतना काम करना है और आ जाना है। तो इस बार की वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होने वाली, चलो गाड़ी के पास मिलते हैं और बाकी जो भी डिटेलिंग है मैं गाड़ी के पास में आपको बता देता हूँ, ठीक है, चलो मिलते हैं गाड़ी के पास। तो गाइस ये रहा अपना नियॉन वुल्फ, बहुत दिन से खड़ा है भाई यहाँ पे, बहुत दिन से, और ये कवर डालने का रीज़न ये है कि ये देखो ऊपर है ना, कौवे लोग हंकते रहते हैं, दिख रहे हैं बहुत सारे बैठे हुए यहाँ, देखो अपने ब्लैक जैगुआर का हाल, तो बार बार धोने का टेंशन होते रहता था, इसलिए अभी अपन ने दोनों गाड़ी कवर कर दी है, अपना सामान आ चुका है, सामान पहुँच चुका है। तो करते हैं अभी स्टार्ट अपनी सेकेंड सर्विस, बाकी डिटेलिंग जो है मैं वीडियो में धीरे धीरे बताते रहूँगा, पहले अपना कवर हटाते हैं इसके ऊपर से और दिखाते हैं अभी गाड़ी की क्या कंडीशन है। तो गाइस देख लो मैंने पॉलिश वगैरह करके, धुला वगैरह सब मतलब धो धा के खड़ी किया था। अरे जस्सी तू कहाँ आ रही वीडियो में? ये अपने फ्रेंड का कुत्ता है जस्सी, फीमेल है जैसी, सुने नहीं रहे जैसी तो। तो देख लो कंडीशन में खड़ी, अपने को इस बार धुलाना वगैरह तो है नहीं, और अपग्रेड अभी गाड़ी में जो दो तीन मैंने नहीं बताया, अपना एक मोबाइल होल्डर लग गया है परमानेंट यहाँ पर, और ये ग्रिप्स मैंने डाले थे बाद में, तो ये अपग्रेड है, बस दो ही चीज़ गाड़ी के अंदर। अभी सेकेंड सर्विस स्टार्ट करने वाले, अपने को इस बार धुलाना नहीं है सेकेंड सर्विस में, और दूसरा काम जो है पॉलिश वगैरह नहीं करना है, सिर्फ अपने को गाड़ी की जो नॉर्मल सी सर्विसिंग है वो करके लेना है। एयर फिल्टर भी नहीं खोलना है इस बार क्योंकि एयर फिल्टर मैंने रिसेंटली बीच में खोला था जब मैंने हैंडल चेंज किया था ना तभी, तो एयर फिल्टर एकदम ओके है। तो आज अपन करेंगे ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, प्लग खोलेंगे, प्लग खोल के साफ करेंगे, चेन लूप करेंगे और बस इतना ही काम करेंगे, और कुछ काम नहीं करना है। तो स्टार्ट कर देते हैं, मैं आपको सामान थोड़ा थोड़ा करके डिटेलिंग में बताते रहूँगा। इस बार मैंने ऑयल दूसरा लिया है महंगे वाला, और महंगे वाला ऑयल डालने वाला हूँ मैं गाड़ी के अंदर। मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है, अच्छा है, कवर डाल के रखना चाहिए गाड़ी को, हाँ।
चलो स्टार्ट करते हैं। नट निकल गया अपना, अबे इसका लाइट बंद हो, जाली निकालते हैं। हाँ वैसे ही पकड़े रखो ना भाई। अभी ऑयल फास्ट गिरने लग जाएगा जैसे ही जाली निकालेंगे इसकी। तो अब ऑयल ड्रेन हो जाएगा, ऑयल ड्रेन होने के बाद में मिलते हैं। तो अपना ऑयल ड्रेन हो गया है, ऑयल लगभग ख़त्म है, मेटल है ऑयल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़त्म है, ऑयल में जान है अभी भी, फिर भी सेकंड सर्विस है इसलिए चेंज कर दे रहा हूँ। और अभी यहाँ का ऑयल ड्रेन कर लिया है, नट टाइट कर दिया है, एक एक काम खोलो, एक एक काम कभी भी वापस पैक कर दो। तो अभी लगा देते हैं इसका अंडर बेली और उसके बाद में वो साइड जाके फिल्टर खोलते हैं। मैंने गाड़ी पूरी अच्छे से डाउन करके ऑयल ड्रेन कर लिया है, कभी भी गाड़ी डाउन करके पूरा ड्रेन कर लो, क्योंकि सर्विस सेंटर में खड़ी खड़ी गाड़ी पर ऑयल चेंज हो जाता है, जूना ऑयल अंदर रह जाता है। थर्ड सर्विस में इसमें ऑयल फ्लैश भी डाल देंगे अपन, अभी नहीं डाल रहे, थर्ड सर्विस में ऑयल फ्लैश करके पूरा इंजन फ्लैश करके फिर चेंज करेंगे। तो अभी ये लगा देता हूँ काउ अंडर बेली, मैं काउल बोलता एक्चुअली, अंडर बेली मेरे दोस्त ने बताया मुझे इसको बोलना चाहिए बाइक में, क्योंकि हम लोग कार में ये सब छोटे से पार्ट को, प्लास्टिक पार्ट को काउल ही बोलते नीचे के। तो अभी ये लगा देते और वो साइड जाके फिल्टर खोलते हैं। तो अभी ये साइड का फिल्टर खोलना है, तो इसके लिए मैं काउल खोल लेता हूँ कभी भी, एक्चुअली बिना काउल खोले भी ना अपना ये फिल्टर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी काउल में खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो जाए, ऑयल इस पर नहीं गिरे काउल के ऊपर मेरे, तो इसलिए मैं काउल खोल लेता हूँ। तो अभी इसका काउल खोल के फिर फिल्टर खोल लेते हैं फटाफट, दो मिनट का ही काम है। कभी भी ये प्रोसेस में ज़्यादा जोर नहीं लगाने का, क्योंकि इसके एजेस ख़राब हो जाते हैं, ये बहुत प्यार से करना चाहिए। फिल्टर निकल गया अपना, आज शायद ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं GoPro से शूट कर रहा हूँ, मोबाइल से नहीं। इसको साइड में डाल देने का, अभी थोड़ा यहाँ आ गया हो मैं बताता हूँ आपको ऑयल कैसा हुआ है। थोड़ा भाई कैमरा मेरे हाथ में दे दो, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है काला काला है ना, तो मतलब ये सब पार्ट में ऑयल ज़्यादा ख़राब है। ये देखो ये काला निशान दिख रहा है, ये नहीं था अभी आ गया है, यहाँ पर ज़्यादा ऑयल गाढ़ा हो गया। अभी फटाफट फिल्टर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये पूरा क्लीन करने के बाद में फिल्टर दूसरा लगा के इसको पैक करता हूँ, फिर मिलते हैं। तो इस बार मैंने बजाज का ओरिजिनल फिल्टर लिया है, बजाज का ही है, लास्ट टाइम दूसरा फिल्टर डाले थे। और ये है अपना ऑयल, इसके बारे में बाद में बताता हूँ थैली में। और ये दो पॉलिश है, ये ख़त्म हो गई थी अपने पास में, अपन यही यूज़ करते हैं एक्टिवा और एनएस के लिए, तो ये मैं लेके आ गया। और कुछ सामान नहीं लाया मैंने, बस इतना ही लिया है और कुछ, क्योंकि गाड़ी में ज़रूरत नहीं है। तो इस बार अपन ने ऑयल ये वाला लिया है, तो ये 1300 रुपये है, 1300 रुपये का ऑयल है, 7100 20W50 40। और ये देखो इसकी सिंथेटिक फुल मैक्स है इसकी, और ये डब्बा है कुछ 1.25 लीटर का, ठीक है। इसके अंदर पता नहीं कूपन वगैरह आता है कि नहीं, क्योंकि ऊपर डब्बे पे लिखा नहीं होता, अभी ऑयल डालने के बाद में पता चलेगा अपने को। और ये MRP यहाँ पर लिखा हुआ है, दुकान वाले 1300 बोलते हैं, 1165 यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट करके, और मुझे ये मिला 1150 में, ठीक है। 1300 रुपये दुकान वाले इसका MRP बोलते हैं। ये ऑयल है, इस बार अपन ज़्यादा ग्रेड वाला ऑयल डाल रहे हैं, फुल सिंथेटिक। ये महंगा पड़ा अपने को, लास्ट वाला सस्ता पड़ा था थोड़ा सा। और फिल्टर अपना यही वाला है बजाज का,
अभी ये लगाता हूँ फटाफट और उसके बाद में ऑयल डालने के टाइम पे मिलते हैं अपन। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं ऑयल डालना अपना, सब अच्छे से फिटिंग कर लिया है मैंने। एक एक काम खोलो, एक एक को पहले टाइट कर लो, उसके बाद में दूसरा काम लो कभी भी। तो ऐसा है, अच्छा इसमें दिया हुआ है कुप्पी डालने के लिए, देखते हैं अभी मैं डाल पाता हूँ या नहीं प्रॉपरली क्योंकि मुझे ऑयल डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी इसमें दिया तो है, देखता हूँ मैं डाल पाऊँगा या नहीं ठीक से कहाँ से डालूँ वही सोच रहा हूँ। मेरा क्रैश गार्ड लगा हुआ है, ऐसे ऊपर से डालूँ या यहाँ से डालूँ समझ में नहीं आ रहा। चलो ऊपर से पहले ट्राई करता हूँ, हल्का फुल्का गिरेगा थोड़ा मोड़ा, नहीं जाएगा ये मेरे से क्या करूँ। मुझे एक्चुअली वो लाना चाहिए था कुप्पी, एक आती है गलनी बोलते हैं, देखता हूँ चलो डालने की कोशिश। ठीक से गया तो गया, तो फिर देखेंगे कुछ और करेंगे। नहीं ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्या करूँ कुछ बनाना पड़ेगा इसके लिए डालने के लिए, क्या बनाएं। तो गाइस ऐसा बना लिया है मैंने बॉटल का, ये ऐसा रख के ट्राई मारता हूँ ऑयल डालने की देखते अभी जाता है क्या प्रॉपर। हाँ जा रहा है। तो ये डाल लेता हूँ पहले, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसके बाद में ही मिलता हूँ आप लोग से। तो गाइस अभी अपना ऑयल डाल के हो गया है, पूरा डब्बा यहाँ पड़ा है, पूरा खाली है। दिखाता हूँ ऑयल का लेवल मैं आप लोगों को, ये देखो यहाँ चेक करने का पूरा ऑयल का लेवल फुल होना चाहिए, ठीक है। देखो पूरा रेड आ गया यहाँ तक, पूरा ऊपर तक दिख रहा है। क्रैश गार्ड की वजह से थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन देखो यहाँ फुल हो गया है ऑयल का लेवल, पूरा पैक हो गया अच्छे से, फिल्टर लग चुका है। अभी प्लग खोलने की बारी है, उसके बाद में चेन लूप करने का, बस ख़त्म अपना काम, फिनिश आज का, ठीक है। तो फटाफट कर लेता हूँ मैं इतना प्रोसेस और ख़त्म करते हैं आज सर्विसिंग अपनी फटाफट। कूलेंट को छेड़ना नहीं अपने को, क्योंकि कूलेंट है अपने गाड़ी में प्रॉपर है और कूलेंट काला भी नहीं पड़ा है, काला पड़ेगा थर्ड सर्विस में, इसको पूरा निकाल के चेंज कर देंगे। यहाँ पर होता है इसका खोलने का, ये नट खोलेंगे ना अपन तो पूरा कूलेंट ड्राई हो जाएगा। तो अभी प्लग खोलता हूँ फटाफट और फिर दिखाता हूँ आपको प्लग की कंडीशन क्या है। तो गाइस ये एक प्लग खुल चुका है अपना, ये देखो अगर शॉर्ट रहेगा तो यहाँ ज़्यादा काला हो जाता है, अभी यहाँ लाल है नीचे और ये पॉइंट थोड़ा कार्बन पकड़ लिया है। तो अभी ये एक तो खुल गया है, फटाफट इसको सर्विस करता हूँ। और ऐसे ही ये बेबी स्पार्क प्लग है और मदर और एक दूसरा जो बेबी वो साइड में, फटाफट खोल के सर्विस करने के बाद में चेन लूप दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो प्लग की कंडीशन अच्छी है, अगर कोई ख़राब होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये तो ठीक है, एक ये साइड होता है दो वो साइड होते हैं, तो ये ठीक है, इसको साफ़ करके लगाना है फटाफट। और इसके बाद में वो साइड के खोलता हूँ और फिर उसके बाद में चेन लूप करेंगे अपन, लास्ट काम अपना वही है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं चेन लूप के टाइम पर, या तो फिर कुछ ख़राब होगा तो मिलते हैं अपन। तो गाइस अभी करना है, चेन लूक इसका देखो बहुत हालत ख़राब है, तो मैंने वही लास्ट टाइम के साथ घासलेट लिया है और थोड़ा सा WD-40 पहले मारूंगा या फिर घासलेट मारने के बाद में इसको मारूंगा। और ये कवर खोल के देख लेता हूँ, अपना 8 नंबर के 3 बोल्ट है, ये अंदर क्या हाल है पता चल जाएगा, ठीक है। इधर देखो चेन का हालत बहुत ख़राब है, इधर आओ आगे आओ, ये देखो यहाँ पर कितना रस्टिंग है, यहाँ पर पत्ता जमा है, तो ये सब अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। मैं कर लेता हूँ पूरा क्लीनिंग, वही प्रोसेस है अपना, घासलेट यहाँ पर अपन लगाते जाएंगे, ब्रश से साफ़ करते जाएंगे, पूरा क्लीन कर लेता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ मैं। ये भी क्लीन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस अभी देखो अपनी चेन मस्त साफ़ हो गई, यहाँ देखो व्हील एकदम चमकने लग गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लो पूरी चेन एकदम, अभी ये देखो हाथ में नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी अपने को बस चेन लूप करना है, अपना काम ख़त्म करना है अभी,
बस अभी ये पैक करता हूँ, पहले मैं कवर भी पूरा साफ कर चुका हूँ अच्छे से, ये पैक करके एकदम अच्छे से देख लो, ये पैक करके चेन लुब्रिकेंट मार देता हूँ, अपना काम फिनिश हो गया, सर्विसिंग डन। ठीक है चलो मिलते हैं अभी, ये पैक करके जब मैं ल्यूक करूँगा तब दिखाता हूँ आप लोग। तो गाइस अभी अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अभी गियर में डाल के इसका यही अपना जो बचा हुआ था लास्ट फर्स्ट सर्विस में मोटोमैक्स का चेन ल्यूक लाए थे अपन ने, तो यही मारेंगे अभी और इसको पूरा ख़त्म कर देंगे जितना भी बचा है। तो अभी डालता हूँ, गाड़ी स्टार्ट है, गियर में डालता हूँ, अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना। मैं ये लकड़ी ले रहा हूँ क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चेन ल्यूक किया था तो मैकव्हील के ऊपर चेन ल्यूक जाने के बाद में चिपचिपा सा हो गया था, तो अभी इस बार मैं ऐसा लकड़ी रख के मारूंगा, बहुत ध्यान से चालू करता हूँ। साइड भी जाना चाहिए बराबर से ना, खत्म होने आ गया अपना चेन ल्यूक, ये भी एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो जो भी बचा है वो ऐसे ही मार देता हूँ यहाँ पर जितना भी बचा है ऐसे तो बचा नहीं होगा, खत्म ही हो गया। देख ही सकते हो अभी से ही चेन का आवाज आना बंद हो गया, ये खत्म हो गया आपका। तो हो गई भाई आज की अपनी सर्विसिंग कंप्लीट, अभी पहले गाड़ी वगैरह सब अच्छे से लगा लूँ फिर आपसे बात करूँ। तो गाइस हो चुकी है अपनी गाड़ी एकदम पैक, वापस पैक कंडीशन में, सब सर्विसिंग एकदम मस्त हो गई है। तो थोड़े बहुत हाथ वाथ गंदे हो गए, ऐसा नहीं है, देख ही लो, लेकिन क्या है ना थोड़ा सा काम अगर अपने को ही आता है, थोड़े हाथ गंदे होते हैं, थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन बहुत पैसा बच जाता है और काम सेटिस्फाइंग हो जाता है, तो खुद से कर लेने का। तो यही थी आज की अपनी वीडियो सेकंड सर्विस पे, और जल्दी अपन डालने वाले, कमेंट भी आई है माइलेज टेस्ट का वीडियो डालने और सेकेंड सर्विस का, तो अभी अपन डालने वाले तो डालेंगे बहुत जल्दी। तो यही थी आज की अपनी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।